अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और तीसरा लेक्चर हमारा टॉपिक है लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन। लॉथरमेयर एक जर्मन केमिस्ट था और उसने 1869 में एक क्लासिफिकेशन का प्रोपोजल दिया विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। उसने बेसिकली क्या किया था कि उस वक्त जो एलिमेंट्स नोन थे उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया, और उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो ग्राफ पर सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि उसका जो की पॉइंट था वो ये था कि द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विल ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन ऑन द ग्राफ। किस तरीके से उसने वर्कअप किया था उसका थोड़ा सा मैं आपको क्लियर दे देता हूँ। देखिए, उसने ग्राफ बनाया किस तरीके से कि वो तमाम एलिमेंट्स जो उस वक्त नोन थे उनके एटॉमिक मासेस एक्स एक्सिस पर प्लॉट किए और एटॉमिक वॉल्यूम वाई एक्सिस पर लिए, और इनके दरमियान एक ग्राफ बन गया। इस तरीके से ग्राफ बना, ये एक रफ ग्राफ मैंने बनाया। और उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनकी पोजीशन भी सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में जो पीक पोजीशंस हैं, दीज आर द पीक पोजीशंस, इन पीक पोजीशंस पर अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम। तो उसने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं वो सेम पोजीशन भी ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरीके से डिसेंडिंग पोजीशन पर हैलोजन्स मौजूद थे, यानी कि हैलोजन्स क्योंकि डिसेंडिंग पोजीशन पर हैं तो वो तमाम डिसेंडिंग पोजीशन के एलिमेंट्स जो कि हैलोजन्स थे उस वक्त उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी। तो इस तरीके से उसने ये एक कंक्लूजन दिया कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी उनकी पोजीशन ग्राफ पे, जो पोजीशन है कौन से ग्राफ पे जो कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस बनाया गया है उस ग्राफ पे पोजीशन भी सेम होगी। ये उसका जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये उसका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन ये बहुत लिमिटेड था। इसी सेम ईयर में 1869 में मेंडलीव्स ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो ज़्यादा सिस्टमेटिक और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी, वो तमाम की तमाम एडवांटेजेस मौजूद थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। तो ये एक लिमिटेड स्कोप का क्लासिफिकेशन थी, लेकिन क्योंकि उसने वर्कअप किया था और एक पॉइंट था जो उसने रेस किया, इसलिए हिस्ट्री में उसकी कंट्रीब्यूशन भी मौजूद है। लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका लिमिटेड स्कोप है, उसी ईयर में मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया जो हमने सेकंड लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, अब उसी को हम लिंक कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे हमने आपको बताया था कि उसमें पहला ड्रॉबैक ये था कि पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स वॉज नॉट कन्फर्म, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन का प्रॉब्लम था, कुछ उसने जो है अपने ही लॉ को वायोलेट भी किया था। इस वजह से वो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन स्टिल देर वर सम प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम्स की वजह उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम था वो ये था कि उसने प्रपोज ये किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन कुछ अरसे बाद मोसले ने ये डिस्कवर किया कि प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्चुअली एटॉमिक मासेस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर्स पे। एटॉमिक नंबर्स क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो मोसले वॉज वर्किंग ऑन एक्स रेज, द वेव लेंथ ऑफ द एक्स रेज, और उसने एक नंबर डिस्कवर किया जिसे बाद में नाम दिया गया एटॉमिक नंबर का। और ये पता चला कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मासेस। यही वजह थी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को किस तरह से मॉडिफाई किया गया, तो मॉडिफिकेशन की गई थी मोसले की डिस्कवरी के बाद।
मोसले ने एक्सरेज पे वर्क किया और उसने डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर को। तो इस तरीके से मेंडलीज पीरियोडिक लॉ किस तरह से मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई किसने किया? मोसले ने। तो मोसले ने जो प्रपोजल दिया वो ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट देयर एटॉमिक मासेस। इस तरीके से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज मॉडिफाइड। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज मॉडिफाइड, तो आप ये बताएंगे कि मोसले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया। किस तरीके से? के स्टेटमेंट को चेंज किया गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट द एटॉमिक मासेस। इस तरीके से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करने के बाद मोसले पीरियोडिक टेबल का प्रपोजल आया, और लेटर ऑन मोसले पीरियोडिक टेबल भी लिंक हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसे लिंक करेंगे मेंडलीव और मोसले के पीरियोडिक टेबल।